क्वेश्चन ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरमैन को कौन सेलेक्ट करता है, तो आंसर है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। अब जानते हैं बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी क्या है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक ऑटोनमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये यूनियन गवर्नमेंट ने अगस्त 2015 में अनाउंस किया था एज अ पार्ट ऑफ 7 पॉइंट इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत ये आया था, लॉन्च हुआ था टू रीवैम पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन अप्रैल 2016। तो 2016 से ये काम पे चालू है। इट हैड रिप्लेस्ड अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। इट इज हाउस्ड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र। तो आरबीआई के अंडर महाराष्ट्र में है। इट कंप्राइजेस ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या फंक्शंस हैं बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के, तो ये रिकमेंडेशंस देता है अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये एडवाइस देता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इन डेवलपिंग डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इनोवेटिव फाइनेंशियल मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू डील विद इशूज ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट्स के साथ कैसे डील करना है, फंड्स को कैसे रेज करना है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक को एडवाइस देते हैं ट्रिपल बी बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स को गाइड करता है ऑन मर्जर्स एंड कंसोलिडेशंस एंड गवर्नेंस इशूज टू एड्रेस बैड लोन्स प्रॉब्लम अमॉन्ग अदर इशूज।